हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज हम बनाने जा रहे हैं खोया और मैदे से बहुत ही सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें एक बर्तन रख दिया है जिसमें हमें चाशनी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है, कुछ इलायची कूट के डाल दिया मैंने और इसमें 1 कटोरी चीनी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसकी अच्छे से चाशनी तैयार करेंगे। अब हमने 1 कटोरी खोया ले लिया है, ये घर का बना हुआ ताज़ा खोया है, इसको हम अच्छे से मल लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपका खोया थोड़ा ढीला है तो इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से लाए हुए खोया और टाइट होता है तो उसमें और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मलाई इसकी चालू कर दें, कस के इसको रगड़ना जिससे कि ये बहुत ही मुलायम बनेंगे। ये देखिए, हम चेक करके देखते हैं हमारे बन रहे हैं कि या फट रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे ये बिल्कुल गोल शेप में बन रहे हैं, यानी दो हमारा रेडी है। इसको हम ढक के 1 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे काजू, बादाम, चिरौंजी, आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसके 2 चम्मच खोया ऐड करेंगे और थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर मैंने डाला है, आप इसमें येलो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये फीलिंग है जो हम गुलाब जामुन के अंदर फील करेंगे। ये देखिए कलर आ रहा है ना, बिल्कुल जैसे शादियों में बनते हैं गुलाब जामुन, उसके अंदर ऐसे ही कलर निकलता है ना। इस तरफ मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें तेल गरम करने के लिए डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं। अब देखें, खोया हमारा फिट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और मलेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, जितने जितने हमें बनाने हैं बस उसी शेप में गोल गोल बना के अब इसके अंदर हम फीलिंग भर देंगे। इसको अच्छे से फोल्ड करना है क्योंकि बाहर निकला है तो फिर फूलेगा नहीं और फट जाएगा। ये देखिए बन गया ना। ऐसे ही मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है। बस इसी मेथड से आपको सारे बना लेने हैं। इस तरफ मैंने चाशनी एक बार चेक की है, चाशनी हमारी एक तरह की रेडी हो गई है। अब हम इसको ढक के रख देंगे एक तरफ। अब मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब मैं तेल गरम हो गया है, इसको मैं एक बार चेक करती हूँ गरम है या नहीं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। इनको हमें बहुत स्लो में भी नहीं पकानी, ना ज़्यादा हाई में पकानी है, बिल्कुल मीडियम आंच में हमें पकानी है, वरना ये कच्चे रह सकते हैं। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। अब हम ऐसे ही ज़्यादा इकट्ठे सारे नहीं डालेंगे, हमें थोड़े थोड़े डाल के ही पकाना है इनको।
आपको जैसा कलर लाना हो आप वैसे यूज कर सकते हैं, रेड लेना हो तो रेड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।